Hello students, myself Rakesh Mishra. In this video lecture we are going to describe the question number 15 onward. This is matter of class 12, subject biology, and overall revision of sample paper that you have recently appeared as unit second examination. Myself Rakesh Mishra, led back with the video lecture. In previous video lecture, the previous part 2 video lecture, you have learned the revision of question number 11 to 14. In first video lecture, all about matter of question 1 to 10 is over. If you have any problem from question number 1 to 10 or question number 11 to 14, you can frequently ask me in comment box. I will further include that question in next video lecture. But for that, you need to focus whatever I have uploaded on the previous video lecture. The previous two back-to-back video can help you to overcome the problems of your concepts. Now back to the question and revise them thoroughly. Question number 14 was over in previous video lecture. Many students complain that the statement second, that is statement for region, is the correct explanation for the assertion. Listen, मैंने क्या बोला था कि जब आपको लगे कि second statement पहले का region बता रहा हो, पहला तो statement है, क्या statement है, life is an important abiotic factor, तो एक statement है, क्या ये second statement ये बता रहा है कि life एक important abiotic factor है, यहाँ light एक important abiotic factor है, ये थोड़ा बता रहा है, ये तो लाइफ की प्रॉपर्टी बता रहा है, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट. जैसे लाइफ की अगर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है कि लाइफ की कुछ प्रॉपर्टी लिखिए, राइट द फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल, विदाउट लाइट. ठीक है, तो एक वन ऑफ द एनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज एक्चुअली गिवेन इन द स्टेटमेंट फॉर द रीजन. बट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, नॉट लाइट. अब यहाँ पे ये बोल रहा है लाइट एक इम्पॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर है. अगर यही बायोटिक फैक्टर होता तो आप बी को, यानी कि रीजन को असर्शन से कोरिलेट कर देते. यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइफ जो है क्या है, लाइट जो है लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है. अगर ये बायोटिक फैक्टर होता तो क्लियर होता है, लेकिन ये ए बायोटिक फैक्टर है तो ये प्रूव थोड़ा किया है. रीजन में ये थोड़ा बताया कि लाइफ क्यों ए बायोटिक फैक्टर है, ये रीजन थोड़ा बताया कि लाइफ ए बायोटिक फैक्टर क्यों है. ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन बन जाता, यहाँ पे वाई लग जाता, हर चीज़ जो असर्शन है ना उसके आगे आप वाई लगा के सोचो और ये सोचो कि रीजन उसका आंसर है, तो आपको क्या आंसर मिल जा रहा है, लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर वाई. अब इसका आंसर अगर ये होगा लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट, तो आपको क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है नहीं. तो सीधे सीधे देखो, मैंने एक ट्रिक ये भी बताना भूल गया था कि आप जब असर्शन पढ़िए तो आगे वाई लगा दीजिए और रीजन को आप आंसर मान लीजिए. अब आपको लगने लगे कि ये उसका रीजन है तो एकदम बिल्कुल रीजन नहीं है. ठीक है, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लाइट, ये असर्शन है तो इसका रीजन नहीं हो सकता, बट ये स्टेटमेंट सही है, अपनी जगह पे ये सही है, तो ये आपके इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी. जब पहला स्टेट इसका आंसर हो जाएगा बी, जब दोनों स्टेटमेंट सही हो और जो रीजन है वो ए का असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो. ठीक है, अब आते हैं 15 पे. देखो जो 15 क्वेश्चन है ना, जो 15, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पूरा पूरा पैसेज पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है, बट साइंस में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, क्लियर है, तो आप सीधे इसके लिए मैं यही बताऊंगा, इसीलिए यही रिकमेंड करूंगा कि टाइम वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा सा क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लीजिए. कभी कभी क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाते हैं. तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस. अब लेडिक सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, क्लियर है कि टेस्टोस्टेरोन से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करता है, सॉरी लेडिक सेल्स प्रोड्यूस नहीं होता है, लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्या पूछा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अकर्स इन, कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, लीवर ओवरी और किडनी में होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन भी बी हो जाएगा.
सपोर्टिंग सेल्स फाउंड इन बिटवीन द जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ टेस्टिस, सर्टोली सेल, ठीक है, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पर्मेटिड्स मैच्योर इन सर्टोली सेल, लेडिक सेल्स में नहीं मैच्योर होता है, लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बाहर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, देखो बी 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 एंड ए, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे, यहाँ पे भी एक एसर्शन रीजन करके दे दिया है, क्या दिया है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सर्टोली सेल्स जो है न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाई सर्टोली सेल ऑन इट्स इन साइड, कह रहा है कि जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सर्टोली सेल के अंदर, अब उनके अंदर जो होता है सर्टोली सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स का स्टेटमेंट जो होता है, सर्टोली, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत में मैंने ट्रिक दिया था कि शुरुआत में सर्टोली सेल आना चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट में शुरुआत में सर्टोली सेल नहीं आया, इसलिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की प्रॉपर्टी बता रहा है और पहले में सर्टोली सेल्स की प्रॉपर्टी बता रहा है, दोनों अलग अलग ढंग से अलग अलग पार्ट्स की प्रॉपर्टी बता रहा है। देखो एसर्शन क्या बता रहा है, ये बता रहा है सर्टोली सेल की प्रॉपर्टी, और रीजन किसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। बट बोथ सेंटेंस आर ट्रू, सो इफ द बोथ सेंटेंस आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट, इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, देन द ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोथ एसर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट द रीजन्स इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, देखो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात कह रहा है, एक्सप्लेनेशन की बात करता तो समझ में आता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। चलो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए, यहाँ पे भी आपके पास कुछ पैसेज मिलेंगे, अब पैसेज को आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है। अब सीधे आ जाइए आंसर पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पैसेज आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और जो है मदद मिलेगी और हेल्प मिलेगा, बट यहाँ पे मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अगर खूब बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल पैसेज में अगर कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो तो पैसेज पढ़ लिया करिए, ठीक है। मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आपको क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो पैसेज आप पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सन हु आर कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्यूश, कह रहा है कि अगर पर्सन कोई कलर ब्लाइंड है तो कह रहा है कि वो कलर, कौन से कलर को डिस्टिंग्यूश नहीं कर सकता, तो वो बेटा रेड और ग्रीन कलर में कोई डिफरेंट नहीं कर पाता। तो ऑप्शन में रेड ग्रीन कहाँ है, रेड ग्रीन कहाँ है, ऑप्शन सी में रेड ग्रीन है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कलर ब्लाइंड इज फाउंड मोर इन मेल देन इन फीमेल बिकॉज, कह रहा है कि कलर ब्लाइंड जो होता है मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम होता है, क्यों, बिकॉज हेट्रोजाइगस फीमेल आर कलर ब्लाइंड, देखो फीमेल हेट्रोजाइगस कभी भी कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं, फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए होमोजाइगस होगा, अगर फीमेल हेट्रोजाइगस है इस वाले कंडीशन में तो वो उसको बोलते हैं कैरियर, क्या बोलते हैं बेटा, कैरियर, ठीक है। मेल्स हैविंग अफेक्टेड वाई क्रोमोजोम्स आर कलर ब्लाइंड, कह रहा है कि मेल्स का जो वाई क्रोमोजोम्स है वो अफेक्टेड होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, ध्यान देना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स यानी कि हमेशा कलर ब्लाइंड का जीन एक्स से कोरिलेट होगा, तो ये वाई लिंक्ड क्रोमोजोम्स डिसऑर्डर्स नहीं है, इसीलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, ये भी आंसर गलत हो जाएगा। मेल कंटेनिंग सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोजोम्स आर कलर ब्लाइंड, ये बिल्कुल सही है, मेल में एक एक्स क्रोमोजोम्स होता है, अगर उसी पे कलर ब्लाइंड है तो पूरा मेल कलर ब्लाइंड हो जाएगा, तो आंख बंद करके सी कर दिए, डी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो दो ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं, विच जीनोटाइप इन मेल इंडिकेट कलर ब्लाइंड, ऊपर मैंने बताया था एक्स सी वाई यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखो इस ये नॉर्मल होगा, ये कैरियर होगा, जो बी होगा वो कैरियर फीमेल होगी, ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, ये कलर ब्लाइंड मेल होगा, ये सब कुछ क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। अब आते हैं, अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बॉर्न व्हेन, कह रहा है कि कलर ब्लाइंड डॉटर कब बॉर्न होगी, यानी ये कंडीशन कब आएगा, मदर इज कैरियर फादर इज नॉर्मल, देखो जब फादर नॉर्मल होगा, ठीक है, इस तरह से जब फादर जो है एक्स वाई होगा नॉर्मल फादर, तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि कोई भी जो डॉटर्स है वो कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए, ठीक है, डॉटर अगर कलर ब्लाइंड है
तो डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए एटलीस्ट दोनों एक्स पे क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड का जीन होना चाहिए। एक एक्स आपको पता है कि कलर ब्लाइंड फादर से आएगा और दूसरा जो है मदर से आता है, ठीक है। तो मदर के लिए एक एक्स अगर कलर ब्लाइंड है, दूसरा नॉर्मल है तो चलेगा, क्योंकि ये मदर जो है डॉटर, ये मदर जो है क्या होगी, कैरियर का काम करेगी, यानी कि इसको कलर ब्लाइंड की बीमारी नहीं होगी। तो ये पॉसिबल है कि अपना वो वाला एक्स क्रोमोजोम कंट्रीब्यूट कर दे इस डॉटर को बनाने में जिसके पास कलर ब्लाइंड का जीन है, ठीक है। लेकिन फादर के पास एक ही अगर कलर ब्लाइंड है तो वो फादर कलर ब्लाइंड होगा, तो वही उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मदर को कैरियर या फिर अफेक्टेड, या फादर को एटलीस्ट अफेक्टेड होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मदर नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो बच्ची नॉर्मल होगी, बच्ची को कलर ब्लाइंड बीमारी नहीं होगी। तो जो डॉटर है अगर वो अफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड की बीमारी है, तो मदर को एटलीस्ट इस तरह का कैरियर होना पड़ेगा और फादर को कलर ब्लाइंड होना ही पड़ेगा। तो पहले में फादर नॉर्मल है, तीसरे चौथे में नॉर्मल है, पांचवे में नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी एक बात यहाँ पे बता दे रहे हैं, पहले में फादर नॉर्मल है, ठीक है, दूसरे में फादर कलर ब्लाइंड है और मदर कैरियर है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरे में क्या, फादर कलर ब्लाइंड मदर इज नॉर्मल, मैंने बोला कि अगर मदर नॉर्मल है तो भी बेटी कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ठीक है, एटलीस्ट उसको कैरियर होना पड़ेगा मदर को। यहाँ पे मदर कलर ब्लाइंड फादर नॉर्मल, इस कंडीशन में भी बच्ची कलर ब्लाइंड नहीं होगी। बच्ची कब कलर ब्लाइंड होगी, जब मम्मी कैरियर हो या अफेक्टेड हो और फादर जो है कलर ब्लाइंड हो, यानी मम्मी का कंडीशन ये हो या फिर मम्मी का कंडीशन ये हो और फादर का कंडीशन ये हो, तो जाकर के बच्ची कलर ब्लाइंड होगी। तो मम्मी अफेक्टेड हो या फिर कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो, तब जाकर के बच्ची क्या होगी, कलर ब्लाइंड, अदरवाइज नॉर्मल, ठीक है। अब आपके पास ये ग्राफ है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम है, ग्राफ को पढ़ते हैं पहले। दोज कलर ब्लाइंड एंड और ओवर 55 ईयर्स ओल्ड, कह रहा है कि ऐसे कलर ब्लाइंड जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है, उनका परसेंट क्या है, 28 साल, ठीक है, 28%। कुछ ऐसे भी हैं जो 55 साल से ऊपर हैं लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं है, उनका परसेंट क्या है, 25%। और कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो कलर ब्लाइंड हैं, उनकी उम्र नहीं दिया हुआ है लेकिन काली कलर ब्लाइंड है, उनकी उम्र क्या है, उनका परसेंटेज क्या है, 3%। यानी कि आपके पास कुछ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का परसेंट है किसी एक पॉपुलेशन में, जिसमें परसेंट 28% पर 28% ऐसे लोगों की लिस्ट दी हुई है जो कलर ब्लाइंड है लेकिन 55 साल से ऊपर है, 25% ऐसे लोगों की लिस्ट है जो कलर ब्लाइंड नहीं है लेकिन 55 साल से ऊपर है, 3% लोगों की लिस्ट ऐसे दी हुई जो कलर ब्लाइंड है बट 55 साल नहीं है, ठीक है। अब आपके इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, दोज कलर ब्लाइंड हु आर ओवर 55 ईयर ओल्ड आर मोर देन ओवरऑल कलर ब्लाइंड पीपल। तो ऊपर के सेंटेंस में देखा था कि ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनका उम्र 55 साल से ऊपर है और कलर ब्लाइंड भी, उनका परसेंट जो 28% है जो बाकी पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा है, यानी कि बाकी लोगों के परसेंट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, दोज कलर ब्लाइंड हु आर ओवर 55% ओल्ड 55% ईयर ओल्ड्स आर मोर देन ओवरऑल कलर ब्लाइंड पीपल, यानी कलर ब्लाइंड पीपल से ज़्यादा है ऐसे लोग जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर फिर भी कलर ब्लाइंड है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कितना है, 28%, तो बिल्कुल सही है, बाकी 25% है या फिर 3% है। द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड पीपल इज 3%, यानी बाकी कलर ब्लाइंड पीपल का परसेंटेज 3% है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, यानी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, द परसेंटेज ऑफ पीपल्स हुआ 55% ईयर ओल्ड इज 28% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो 55 साल से ऊपर है उनका परसेंटेज क्या दिया है, 28%, जबकि ग्राफ में क्या दिया हुआ है, सिर्फ 25%, यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सिर्फ हमको पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही मिला, ओनली सेकेंड ये गड़बड़ है, फर्स्ट एंड थर्ड ये भी गड़बड़ है, फर्स्ट ये भी गड़बड़ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टू ये भी गड़बड़, यानी कि हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन ही नहीं दिए हुए। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट था, ये डाउट आई थिंक क्लियर हो गया आपका, अब ये प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है जो कि हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 17 पे आ गए। 17 में ABCD को बताना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ HIV
लाइफ साइकिल। देखो एचआईवी की लाइफ साइकिल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जब 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, तो उसमें लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी या रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ एचआईवी करके पूछेगा, या फिर रिट्रोवायरस की रेप्लिकेशन साइकिल पूछेगा। तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी लेबल कर लेना है, ठीक है। अब ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, मैं खोज ले रहा हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो ये जो पार्ट दिया हुआ ए, ये क्या बता रहा है, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, द ए ओवर हियर रिप्रेजेंट इंट्रोडक्शन ऑफ वायरल जीन टू द होस्ट लगा लेना, टू द होस्ट, ठीक है, ए क्लियर है। तो वायरस अपना जीन जो है ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वायरस का जीन यहाँ पे क्या है, आरएनए होता है बेटा, आरएनए। कौन सा वायरस है, रिट्रोवायरस है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोसेस हो रहा है, इस ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक छोटा सा प्रोसेस। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर दूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे ए तो क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस हो रहा है जिसके थ्रू हम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आरएनए है और ये क्या है, डीएनए है, बीच में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब ये डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी कि उसके साथ मिक्सअप होगा, ब्लेंडिंग करेगा। तो यहाँ पे बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए टू द होस्ट डीएनए, ठीक है, टू द होस्ट डीएनए। तो ये इनकॉर्पोरेट कर गया, इनकॉर्पोरेशन करेगा न्यूक्लियस में, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है जैसे वायरस, जैसे ह्यूमन डीएनए, जैसे होस्ट का डीएनए आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, वैसे अब वायरस का डीएनए भी आरएनए बनाएगा। तो यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सी जो है आरएनए रिप्रेजेंट कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए नहीं बल्कि आरएनए है, ठीक है। तो ये आरएनए रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ एक है, यानी अगर ये आरएनए है तो ये भी आरएनए होगा, ठीक है। तो ये वायरस का क्या बन रहा है, आरएनए। तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ वायरल आरएनए। अब ये आरएनए से ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस थ्रू द ट्रांसलेशन, यानी कि नई प्रोटीन जो बनेगा वो वायरस की बॉडी बनेगी, ठीक है। यानी कि सीधे अटैक करता है और नई वायरस की बॉडी कहाँ बन रही है, होस्ट के सेल में। ये पूरा सेल है और ये होस्ट का न्यूक्लियस है, यानी ये जो सेल है वो मैक्रोफेज सेल है, और ये क्या न्यूक्लियस ऑफ मैक्रोफेज। तो इसी सेल में ही क्या बन रहा है, डिफरेंट वायरस, ठीक है। अब ये वायरस जो है यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, तो डी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, द रिलीज ऑफ वायरल कॉलोनी फ्रॉम मैक्रोफेज सेल विदाउट डैमेजिंग द मैक्रोफेज सेल, यानी ये मैक्रोफेज सेल को डैमेज नहीं करते बल्कि आगे टी लिम्फोसाइट्स को डैमेज करते हैं, टीएच और टी4 लिम्फोसाइट्स को डैमेज करके हमारी इम्यूनिटी को गिरा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।